राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए एनडीआरएफ की टीम द्वारा एक दिवसीय आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपदा के दौरान स्कूली बच्चों को इस घटना से निपटने के लिए कौन से उपाय करने की जरूरत है, इसके बारे में बताया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन के इंस्पेक्टर राजकुमार मालदीय तथा अन्य 4 एनडीआरएफ टीम के अधिकारियों सहित इस टीम में 17 सदस्य जवानों ने इस आपदा के दौरान बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने विद्यार्थियों को इस प्रकार की आपदा की जानकारी को होना आवश्यक बताया। स्कूल प्रांगण में आपदा टीम के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई है। प्रदर्शनी में एनडीआरएफ टीम के इंस्पेक्टर राजकुमार मालदीय तथा अन्य अधिकारियों ने भी बाल विद्यालय हमीरपुर के विद्यार्थियों व शिक्षकों को इस कार्यशाला में आपदा के दौरान विभिन्न औजारों के महत्व व योगदान की जरूरत के बारे में अवगत करवाया। एनडीआरएफ टीम ने हमीरपुर में आपदाओं को लेकर एक सर्वेक्षण भी किया है। इस सर्वेक्षण में उपमंडल स्तर के स्थानों पर भी आपदा को लेकर टीम के साथियों को लेकर सर्वेक्षण किया गया। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सर्वे कर रहे थे और पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सब डिविजन हैं, तहसील थे, विलेजेस हैं, वहाँ पर जाकर हम मुआयना कर रहे थे कि कहाँ पर डिज़ास्टर आने की संभावना बढ़ सकती है। लैंडस्लाइड इलाके और डिज़ास्टर प्रोन इलाके, फ्लैश फ्लड वाले इलाके, उन लोगों का हम मुआयना कर रहे थे, उन्हें हम देख रहे थे। तो 4 तारीख तक हमने पूरा उसका मुआयना किया, उनकी रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की और हमारे हिसाब से हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया। लास्ट में आज हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाने हैं एनडीआरएफ के प्रति। और एनडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा के दौरान किस तरह से काम करती है, उसके बारे में एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया गया, जो कि काफ़ी उत्साहित रहा और लोगों को, बच्चों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद कल हम यहाँ से हमारी बटालियन कर जाएंगे। ये हमारे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में हर ईयर होते रहते हैं और हम डिज़ास्टर वाले इलाकों को हम लोग करते रहते हैं। हमारा मकसद यही है कि आने वाले समय में कहीं भी डिज़ास्टर आता है तो उसमें लोकल गवर्नमेंट और एनडीआरएफ की टीम किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, उसकी पूरी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं।